दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मोमोज खाना लोगों के लिए भारी पड़ गया। मोमोज खाने के बाद बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर कस्बे में मोमोज की दुकान है। सोमवार को आसपास के गांवों के लोगों ने एक दुकानदार से मोमोज खरीद कर खाए, तभी चटनी में गड़बड़ी के चलते लोग बीमार होने शुरू हो गए। दरअसल जब लोग अपने घर पहुंचे तो उन्हें उल्टी दस्त होने शुरू हो गए। लोगों की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वर्तमान में 45 लोग अस्पताल के निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं। जब घटना की जानकारी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को हुई तो गुरुवार को एक टीम पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे। पीड़ितों से हुई पूछताछ में पता चला कि सभी लोग मोमोज की दूषित चटनी खाने से बीमार हुए हैं। तीन दिन पहले मोमोज खाए थे, लगभग 7:30 बजे करीब। उसी दिन से मैं काफ़ी बीमार हूँ, उल्टी दस्त बुखार, और मेरे परिवार में भी काफ़ी हैं जो अभी तक कोई आराम नहीं पाया है। बीमार होने वाले में से सभी उम्र के लोग शामिल हैं। टीम में मोमोज विक्रेता से चटनी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की गहराई से जांच के लिए फूड डिपार्टमेंट को पत्र भी भेजा गया है। प्रशासन ने पीड़ितों के लिए शुक्रवार को बिलासपुर में हेल्थ कैंप लगाने का भी ऐलान कर दिया है।